जबलपुर पुलिस ने कटनी के बहोरी बंद में दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से कुछ देर पहले ही गिरफ्तार कर लिया। ये मामला शुक्रवार रात का है, जहां दूल्हे के खिलाफ जबलपुर के लाडगंज थाने में रेप का केस दर्ज है। युवक पर आरोप है कि सोशल मीडिया फ्रेंड से होटल में ले जाकर उसने रेप किया, मंदिर में ले जाकर मांग भरी और उससे रिलेशन बनाता रहा। लाडगंज टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के मुताबिक 24 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ समय पहले सोशल साइट पर उसकी पहचान कटनी बहोरी बंद के डुड़सरा पार्टी निवासी अनुज दुबे के साथ हुई थी। वहीं दोनों में प्यार हुआ। अनुज ने उसे भरोसा दिया कि वह घर में बताकर शादी करेगा। एएसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि आरोपी युवती को भेड़ा घाट में ले जाकर मंदिर में शादी की, वहीं बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती के मुताबिक अनुज उसे भेड़ा घाट स्थित मंदिर में ले जाकर उसकी मांग भरी और फिर पत्नी कहते हुए उसे रेप किया। अनुज ने युवती को भरोसा दिया था कि वो जल्द ही परिवार की रजामंदी से शादी करेगा, लेकिन जब भी वह शादी की बात करती वो टाल देता। युवती के मुताबिक अनुज ने अचानक उसे बातचीत बंद कर दी, वो फोन करती तो काट देता। इसी बीच उसे पता चला कि अनुज की कहीं और शादी तय हो गई। 15 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली है। लॉर्डगंज थाने पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज कराई और बताया कि बारात निकलने वाली है। लॉर्डगंज पुलिस आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के बाद बहोरी बंद पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस के साथ टीम अनुज के टुटसरा पार्टी गांव पर गई, जहां बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। अनुज के सारे रिश्तेदार मौके पर पहुंच चुके थे, बैंड बाजा तैयार था, घर में मंगल गीत हो रहे थे। वहीं लॉर्डगंज पुलिस ने अनुज की करतूत के बारे में घर वालों को बताया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। बारात का इंतजार कर रहे लड़की वाले भी सन्ने रह गए, लेकिन लड़की के पिता को बारात न आने से अधिक खुशी इस बात की है कि उसकी बेटी एक ऐसे घर में जाने से बच गई। लड़की के पिता ने अनुज के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। ये काम करने के लिए जौलपुर आया था, इसकी एक लड़की से दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद ये भेड़ाघाट जाके शादी कर लेते हैं और बाद में लड़का शादी से इनकार कर देता है। इस लड़की की शादी कल थी, तो कल जब ये बात लड़की के द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो थाने में FIR पंजीबद्ध होती है थाना लॉर्डगंज में, और इसको जो लड़का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है शादी का झांसा दे करके या शादी करके और अपनी बात से मुकरना।